हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विगीज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइलो केक की रेसिपी। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। माइलो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट ले लेते हैं और उन्हें हम छान लेंगे। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम माइलो लिया है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही मैंने लिया है 1/3 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, छान लेंगे इसे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉफी। तो यहाँ मैंने एक छोटा पाउच आता है वो वाले पाउच का 1/2 पाउच यहाँ पे ऐड किया है, यानी कि 1/4 टीस्पून। एक पिंच यहाँ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और ये यहाँ पे बटर ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच बटर लिया है, इसे मैं मेल्ट करके इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये बटर को हमने मेल्ट कर लिया है, लेकिन इससे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब मैं यहाँ पे बटर ऐड कर देती हूँ। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप वनीला एसेंस, मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। और अब हम यहाँ पे दूध ऐड करेंगे। तो ये दूध ना तो ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म है, ये रूम टेम्परेचर पे किया हुआ दूध है। थोड़ी देर बाहर निकाल दें दूध को और फिर इसे यूज करें। सारा दूध हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो ये हमारा बैटर जो है वो रेडी है। वैसे तो माइलो में शुगर होती है, इसलिए मैं यहाँ शुगर स्किप कर रही हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ शुगर स्किप कर रही हूँ। तो हमारा बैटर जो है वो रेडी है, अब इसे हम केक टिन में पोर कर लेते हैं। तो अब हम ऐसे केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और इस पे हम एक बटर पेपर लगा देंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल पेपर ही लिया है, जो A4 शीट वाला पेपर होता है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें ये सारा बैटर जो है वो पोर कर देंगे। तो ये देखिए, हमने सारा बैटर इसमें पोर कर दिया है। और अब इसे हम एक दो बार अच्छे से टैप टैप कर देंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स बने हैं वो निकल जाएं। तो हमने ऐसे एक पैन लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और ऐसे स्टैंड रख दिया है। इसे 5-10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है और इसमें अब हम अपने केक को रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। और अब इसे 30-35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 35 मिनट्स हो गए हैं और अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है, साइड्स छोड़ दी है केक ने। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। तो केक को अब हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद अब हम इसे डीमोल्ट करेंगे। चलिए, केक हमारा ठंडा हो गया है तो अब हम इसे डीमोल्ट कर लेते हैं। इस तरह से एक प्लेट रख लेंगे और इसे ऐसे फ्लिप कर लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा कितना स्पॉन्जी केक बनके तैयार हुआ है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ये। और अब हम एक बाउल में लेंगे 3 चम्मच माइलो, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 पाउच कॉफी। जो 1/2 पाउच हमने पहले कॉफी का ऐड कर दिया था, आधा यहाँ पे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे केक के ऊपर डाल देंगे। बच्चों को केक तो बहुत ज्यादा ही पसंद होता है, तो क्यों ना उसे थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश की जाए। और आप इसे गार्निश कर सकते हैं चॉकलेट ग्रेट करके या फिर बिस्किट्स को क्रश करके। तो यहाँ मैंने कुछ बिस्किट्स को क्रश कर लिया है और वो मैं यहाँ पे गार्निशिंग कर रही हूँ उससे। तो ये देखिए, हमारा माइंड ब्लोइंग सा केक बनके रेडी है। चलिए, मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ।
तो ये लीजिए हमारा यमी यमी सा माइलो केक बनके तैयार हो गया है। बहुत ही डिलीशियस लगता है ये खाने में और बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।